लीना। घाटकोपर टीम प्लीज आपके बैट्समैन का नाम बोलिए। हितेश नॉन स्ट्राइकर अंकित। और बॉलर का नाम? बॉलर का नाम राजू भाई। हाँ बोरीवली सी अरियंत इलेवन। पहले ही वॉन बॉल पे ऑफ साइड में फील्डिंग वहां पे। जय दे फील्डर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग जय ने। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। श्री नाकोड़ा घाटकोपर वर्सेस श्री अरिहंत इलेवन बोरीवली के बीच का ये मुकाबला। पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ। हितेश का यहां पे कैच लिया है और अब जा रहे हैं बल्लेबाज पीयूष। इस बार देखिए शॉट अच्छा है पीयूष के बल्ले से, लेकिन स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है। कहां खूबसूरत कैच लेते हुए यहां पर पीयूष गए और वापस आते हुए हैट्रिक का यहां पे चांस है गेंदबाज को। तो यहां पर हैट्रिक का चांस है बॉलर को। राजू इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी कर रहे हैं, उनके सामने बल्लेबाज मुकेश। हैट्रिक यहां पर नहीं हो पाएगी, गेंद को खेला कवर्स के क्षेत्र में, एक रन के लिए निकले। जबरदस्त यहां पर पूरा मौसम है, हवा बड़ी तेज चल रही है, धूप तेज है लेकिन हवा भी तेज चल रही है, इसलिए ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं है। लेकिन प्राकृतिक जो वहां पे चूर्ण है नेचुरल पाउडर, उससे बिल्कुल सराबोर होते हुए इसमें देखिए अंपायर धीरज आकाश और साथ में बॉलर भी। अब इस समय घाटकोपर की टीम 3 रन बनाई है 2 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर चल रहा है इस बार, अभी गेंद को उठा करके खेला है। स्क्वायर लेग का फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर था, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए सेना ज्वेलर्स चौक का आता हुआ और 4 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इसमें 5 गेंदों पे 7 रन। देखिए तमाम दिग्गज यहां पर इस समय बैठे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इस बार क्या बल्ले का किनारा लगा था, विकेट कीपर कैच करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल पहला ओवर समाप्त, एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे।
22 का ये रन आता हुआ, लेकिन एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस समय श्री नाकोड़ा घाटकोपर का। देखिए हमारे बीच में नरेश दादा उपस्थित है। नरेश दादा आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में उनके कमल भाई हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत जितने भी यहां पर हमारे स्पॉन्सर हैं उनका भी है, हमारे टी शर्ट के स्पॉन्सर शाह भगवती लाल पन्नालाल एंड कंपनी जवेरी बाजार, ओपनिंग सेरेमनी प्रकाश बोरा मुकेश जी प्रजापत आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पेरिस चेंस जेनित कलेक्शन पीयूष जैन जेनित जैन वाटर श्री नाकोड़ा पुल्ले वाला राजेश जी बाइंदर क्रिकेट ग्राउंड मां पद्मावती ज्वेलर्स गिद्वाज का नाम बता दे हितेश गिद्वाज दीपक जी ऋषभ जी इंडोरिया क्रिकेट इक्विपमेंट्स नीलेश गिद्वाज क्रिकेट इक्विपमेंट्स के हमारे स्पॉन्सर डायमंड पेंट्स पंकज राजबल जी माधरेश आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। डीजे स्पॉन्सर आरडी ग्रुप गेस्ट वेलकम गणपत जी वापना थोड़े पलों में उनका भी आगमन होगा यहाँ पे। इस बार गेंदबाज चले पुल टॉस गए और इसे आप बॉली पे लिया खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में एक रन मिल जाएगा। नींबू पानी स्पॉन्सर रुपेश काले विरार डिनर स्पॉन्सर वी आर वी कैपिटल भवेश वासा टॉस के बॉस भूमि इंटरप्राइजेस लक्ष्मण जी किवराज जी जैन कमेंट्री स्पॉन्सर पुरोहित ऑयल सेंटर अंकित पुरोहित जी बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी आपका भी। पूरा के स्पॉन्सर यानी कि बाउंड्री के स्पॉन्सर श्रीनाथ ज्वेलर्स आशीष जी सिंह भी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और लंच के स्पॉन्सर अंबेश कमेटी या अंबेश इलेवन जो भी कह लीजिए आप। तो अब यहाँ पे जबकि सिक्स के भी स्पॉन्सर है हमारे अंबेश इस बार देखे बैकवर्ड भी जाकर के गेंद को खेला अक्षर कब्र के क्षेत्र में पानी का केन यहां पे रख दिया जाए पानी का केन। मैं चाहूंगा हमारे जितने भी कोई भी शख्स अगर हमारे कैटरिंग टीम से हमें सुन रहा है तो पानी का केन यहां पे रखवा दिया जाए। 12 रन बन चुके इस समय घाटकोपर के। घाटकोपर पहला मुकाबला अपना गंवा चुकी है, अब घाटकोपर की टीम हर हाल में जीतना चाहेगी इस मुकाबले को। इस बार बहुत फाइन खेला है, फाइन लेके क्षेत्र में गेंद जा रही है फील्डर भागते हुए उस ओर, जब तक फाइन लेके फील्डर गेंद को उठाते रन यहां पर लिए एक ही रन लिए दूसरे रन के लिए जा रहे थे लेकिन आधे सफर के बाद वापस हुए। हमेशा मैं देखता हूं कि और हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप तैर रहे हैं और तैरने वाला अगर आधा सफर नदी का पूरा कर लिया है और वो अगर सीधे उस पार चला जाएगा तो डूबने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर वो बीच में लौटने का इरादा बना लिया तो उतना ही तैरना होता है लेकिन कॉन्फिडेंस उसका हिल जाता है और डूबने के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं। इसलिए जब एक बार निकले तो निकल जाना चाहिए था वहां पे, लेकिन इस बार खेला है पुल टॉस बनाकर के डिविस का लेके क्षेत्र में फील्डर मौजूद है सिंगल यहां पे मिलेगा। अब दूसरे रन की जो मंशा है उसे आपको जरूर रोकना पड़ेगा क्योंकि 14 पे 2.4 ओवर के बाद मुकेश इस समय 3 गेंद पे 4 रन बना करके खेल रहे हैं और 4 गेंद पे 6 रन बना करके अंकित खेल रहे हैं। नीलेश इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है श्री अरिहंत 11 बोरीवली की तरफ से। बोरीवली और घाटकोपर के बीच का यह मुकाबला है। इस बार बोल टॉस गेंद खेलना चाहते हैं स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बल्ले के ऊपर हिस्से पे गेंद लगी फाइन लेग के क्षेत्र में कड़ी हो गई और कैच लेने वाले जो फील्डर है कैच लेने वाले फील्डर देखिए सब कुछ बहुत अच्छा लगता है लेकिन जो यूट्यूब पे सुनते हैं ना उनको यही एक चीज बहुत खराब लगती होगी। अगर आपके पास प्लेयर नहीं है एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, लेकिन जो मिड विकेट के प्लेयर हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम बताते रहे। इतना बड़ा मैच लाइव टेलीकास्ट और बीच बीच में जब पूछना पड़ता है फील्डर का नाम तो बहुत थोड़ा सा एक अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपसे बस निवेदन है कि सर सेलिब्रेशन बाद में थोड़ा पहले नाम बता दिया करिए, कैच किसने लिया। प्रियेश इतना अच्छा कैच और इतना अच्छा नाम पहले आप बताते तो और मजा आता। चलिए कोई बात नहीं,
धन्यवाद आपका। इस बार भी फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है, लेकिन फील्डर दौड़ते हुए और दौड़ते ही रह जाएंगे गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए चार रन के लिए। लॉन्ग ऑन के फील्डर थे, वाइडिस लॉन्ग ऑन भी था जिसे काउ कॉर्नर कहा जाता है। वाइडिस लॉन्ग ऑन के फील्डर अपनी बाईं तरफ जब तक दौड़ते जाते गेंद जमीन से टकरा चुकी थी और सीमा रेखा के बाहर। श्रीनाथ ज्वेलर्स चौक का आता हुआ, फ्रूट्स का काउंटर भी ओपन हो चुका है, आप लोग फ्रूट्स का भी आनंद लें। जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन दो ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन भले बोर्ड पे लगे हैं, तीन विकेट भी गिर चुके हैं श्री नाकोड़ा घाटकोपर के। श्री नाकोड़ा घाटकोपर की टीम इस समय तलाश रही है पहली अपनी जीत, क्यों नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वापी में अंबेश 11 श्री नाकोड़ा दोनों टीम संयुक्त रूप से खेली और दोनों की संयुक्त वहां पर भूमिका थी, आपने फाइनल जीता, लेकिन यहां आने के बाद क्या ऐसा हो गया है कि अंबेश 11 की टीम अच्छा खेली, घाटकोपर की टीम अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, और सभी लोग उम्मीद लगाए हैं कि इस मैच में वो परफॉर्मेंस निकल करके आए। बहुत अच्छी टीम घाटकोपर की भी है, लेकिन सामने उनके श्री अरियंत 11 बोरीवली की टीम की तरफ से अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं मान, मान या मन, चलिए मान ही नाम लेते हैं, मान लेते हैं मान, यस थैंक यू। वाइट का इशारा था वो अंपायर का, और देखना है कि मान अपनी टीम का श्री अरिहंत 11 बोरीवली का कितना रखते हैं सम्मान, गेंदबाज का नाम मान कितना रखते हैं अपनी टीम का सम्मान। इस बार शॉट भी थोड़ी से पटकी हुई, गेंद बल्लेबाज लेकर के गोमे डी बैकवर्ड स्क्वायर लेके क्षेत्र में, वन बाउंस है या डायरेक्ट निकली है, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है, और क्या इशारा अंपायर का आता हुआ, अब छह रन अंबेश सिक्सर आता हुआ, छह रन। पच्चीस हो चुका है स्कोर इस समय, अंबेश कप लीगा 2023 का यह मुकाबला चलता हुआ, खूबसूरत ही ये ग्राउंड है नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल नारंगी का, और बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे इस समय अंकित, पांच गेंदों पे 12 रन बनाकर के खेल रहे हैं, और जोरदार अपील अंपायर से प्रश्न पूछा गया और अंपायर ने हामी भरी है, और क्या बल्ले का किनारा लगा था, अंकित को आना पड़ेगा यहां पे। अब महेश गुप्ता की जगह पार्थ आए हैं हम इस समय स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए। अंकित आउट होकर के वापस आते हुए नेक्स्ट बैट्समैन, उत्तम है बैट्समैन, और फील्डर का नाम आप सभी लोग बताते रहिएगा, नहीं तो वेस्ट फील्डर के अवार्ड में शायद आप चूक जाएंगे। कीपर का नाम पच्चीस पे चार, पांच ओवरों का मुकाबला है, 25 रन बन गए हैं, विकेट भले चार गिरे हैं, लेकिन अगर 50-60 आप बनाते हैं तो ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। ये भी बल्लेबाज खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद गई ऑफ साइड में, लेकिन इस समय कैच नहीं हो पाया है, विकेट कीपर ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, गेंद हाथ से छिटकी, एक रन दूसरे रन में तब्दील होता हुआ जीवन दान मिला है, देखिए खेलना चाहते थे बिल्कुल ऑन साइड में, बल्ले के ऊपरी हिस्से पे पड़ने के बाद गेंद बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि स्लिप हो गई और सीधे चली गई गली के क्षेत्र में, विकेट कीपर दौड़े थे कैच करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद हाथ में आई भी थी छिटक गई, और जब तक उसे उठाते वापस करते दो रन लेने का मौका बल्लेबाज उत्तम को, उत्तम और हनी की जोड़ी इस समय मैदान में। ये गेंद बल्लेबाज एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उछाल वो मिली नहीं, यहां क्या जाना पड़ेगा जी हाँ, बल्ला ऊपर रह गया, दौड़ तो सही लगाई थी लेकिन थोड़ा सा आगे झुकते बल्ले को घसीटते हुए पॉपिंग क्रीज में लेके जाते तो शायद बच जाते, आ रहे थे लेकिन बिल्कुल कैजुअल लग रहा था कि इन्हें कोई आउट करेगा ही नहीं, इन्होंने यही सोच लिया था, लेकिन ये जो हनी थी
कहीं ना कहीं हनी को जाना पड़ा यहाँ पे। हनी आउट होकर के वापस आते हुए, नाम इतना प्यारा है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। अब ये भी पीयूष है, पीयूष स्ट्राइकर एंड पे। इस टीम में दो पीयूष हैं, उत्तम नानी स्ट्राइकर एंड पे, पीयूष स्ट्राइकर एंड पे। मान इस ओवर में एक सफलता हासिल कर चुके हैं, एक रनआउट के रूप में भी विकेट इन्हीं के ओवर में प्राप्त हुआ है टीम को। इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई, बाउंसर मोड़ दिया इसे मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन मिलता हुआ। फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है इस समय बोरीवली की तरफ से, और अच्छी फील्डिंग का ही नतीजा है कि यहाँ पे बिल्कुल घाटकोपर की टीम को बात करके रखा गया है। आधे ओवर का सफर समाप्त हो गया है, 2.5 ओवर के बाद 28-5। अम्बेश कप में जितने हमारे दर्शक हैं, जितने आयोजन समिति के लोग हैं, जो यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं, सबका स्वागत। इस बीच व्हाइट का इशारा था वो अंपायर आकाश का। दो 299वां मैच है आकाश का, हमें अभी सूचना मिली है पार्थ के द्वारा। एक मैच और पूरा करेंगे तो 300 मैच उनका पूरा हो जाएगा। इसके पहले बहुत सारे ऐसे मैचेज खेले हैं जो कि टर्फ वाले जो मैच थे उस पर अंपायरिंग किया ये सब, लेकिन नारंगी ग्राउंड पे एक बेहतरीन अंपायर के रूप में उभर रहे हैं। और तीन ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 5 विकेट के नुकसान पे, 30 आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 30 लॉस ऑफ 5 विकेट। तीन ओवर के समाप्ति के बाद 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर श्री नाकोड़ा घाटकोपर। अब ये दो ओवर बहुत निर्णायक होंगे घाटकोपर के लिए कि घाटकोपर की टीम कितना रन बना पाती है, क्योंकि अब विकेट मायने नहीं है, अब रन मायने हैं। 50 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो थोड़ा लड़ने वाला स्कोर होगा, और मुझे लगता है कि घाटकोपर की टीम भी अगर एक जीत पा लेगी तो फिर सभी बैट्समैन बॉलर फॉर्म में आ जाएंगे। बॉलर्स नेम सोनू की ये गए, देखे बैट्समैन प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब बल्ला चल रहा है तो गेंद आ नहीं रही है, जब बल्ला रुक रहा है तो गेंद आके उस पर टकरा जा रही है। 31 3.1 ओवर के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी सोनू निभाते हुए, सोनू के सामने है पीयूष। पीयूष एक गेंद पे एक रन बनाकर के खेल रहे हैं। लंबे कदकाठी के बल्लेबाज है, उम्मीदें ज्यादा है लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई है। चौथा ओवर चल रहा है और इसके बाद फिर पांचवां ओवर, पांच पांच ओवरों का मुकाबला है। कुल 10 टीमों ने यहां पे भाग लिया। हरियाणा तिरुवन बोरीवली नौकार चैलेंजर्स ठाकुर द्वार, ताने 11 ताने, मेवाड़ युवा शक्ति, मीरा रोड श्री आदेश्वर 11 भाईंदर, एक और विकेट का पतन होता हुआ श्री आदेश्वर 11 भाईंदर, और यही है सही नाम है जो कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत मेंशन था, मैं भी वही अरिहंत अरिहंत बोल रहा था। श्री आदेश्वर 11 भाईंदर है। खारघर 11 खारघर, महावीर 11 नाला सुपारा, बोईसर 11 बोईसर, कांदीवली 11 कांदीवली, श्री नाकोड़ा घाटकोपर, तुलसी 11 मलाड़ और अम्बेश 11 विरार, ये कुल टीमें हैं जो कि यहाँ पे भाग ली हैं। कुल 12 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं और इस समय 3.3 ओवर के बाद 31 रन बना चुकी है घाटकोपर की टीम। गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है लेकिन बारी किनारा लगा क्या, यस जाना पड़ेगा। बड़े अनमने ढंग से यहां पर बल्लेबाज वापस आते हुए क्या कर सकते हैं, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। सोनू को सफलता मिली है, ये भी एक कॉमन नेम है। मैंने पहले एक दिन चर्चा किया था कि सबसे ज्यादा जो नाम हमारे भारतवर्ष में रखे जाते हैं वो यही डब्लू बबलू मुन्ना पिंटू सोनू, प
पप्पू। और आज के जमाने में तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी में अब कोई भी अपने बच्चे का नाम पप्पू नहीं रखेगा। इसको राजनीति से आप ना जोड़े, लेकिन पप्पू जल्दी कोई नाम नहीं रखेगा 31 पे 7 3.4 ओवर के बाद, क्योंकि पप्पू नाम का मतलब ही लोगों ने पप्पू बना दिया। जबकि हकीकत यह था कि बच्चों को, छोटा बच्चा होता है उसके गाल को लोग छूते हैं, चूमते हैं, पप्पी लेते हैं, और पप्पी लेते लेते पप्पू पप्पू हो जाता है वो। इस बार डी फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, गेंद सीमा रखा के बाहर जाते हुए श्रीनाथ ज्वेलर्स शौक का आता हुआ। 3.5 ओवर के बाद स्कोर 35-35 35 पे 7। घाटकोपर की टीम समय का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि 45 मिनट्स में पूरा मैच एक समाप्त करना है, और ये इनिंग समाप्त होते ही मुझे लग रहा बहुत ज्यादा समय हो रहा है, विकेट जरूर गिरे हैं, और हम लोग 1 घंटे 20 मिनट शेड्यूल से ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, तो समय थोड़ा सा आप सभी लोग अगर बचाएंगे तो फिर मजा आएगा सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले का, अन्यथा उसके ऊपर जब कम करने पड़ते हैं तो अपने आप को निश्चित रूप से दुर्भाग्यशाली समझना पड़ता है सभी को। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 36-7 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 36 लॉस ऑफ 6 विकेट घाटकों पर। आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है, गेंदबाजी में देखना है कि कौन आता है इस समय गेंदबाजी करने के लिए आदेश्वर 11 बोरीवली की तरफ से। बोरीवली की टीम बड़ी जबरदस्त है, टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला। बॉलर्स नितेश आए हैं, हितेश जैन है कि लोड़ा जैन, हितेश जैन। दीपक भाई की नजर वहां पर भी पहुंचती है जहां किसी की नजर नहीं पहुंचती, और इन्होंने एक चीज जोड़ लिया और ढूंढ करके ये बता रहे हैं कि वहां कुर्सी नजर आ रही है, कैमरा है या नहीं, कैमरा मैन नजर नहीं आ रहे हैं कि दीपक भाई है, कुछ तो है आप में। आज दीपक भाई ने बहुत अच्छा अच्छा कैच लिया है फाइन लीग में, आज पहली बार मैं देख रहा हूं, मैं 10 साल से आप लोगों से जुड़ा हूं, पहली बार दीपक भाई ने दोनों हाथों से कैच लिया है, पहली बार। नहीं तो एक हाथ से ही कैच लेते हैं, वो कैच हो या ना हो, लेकिन आज जबरदस्त कैच हुआ। इस बार देखे गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद जाते हुए फील्डर मौजूद वहां पे, दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा, लेकिन थ्रो इतना अच्छा नहीं था, 2 रन पूरा होता हुआ। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुके इस समय घाटकोपर की 41 पे। 4.2 ओवर का खेल हुआ है, बची हुई ये 2 गेंदें किस प्रकार, बची हुई ये जो 4 गेंदें हैं वो किस प्रकार से खेली जाती हैं। 2 गेंद हुई है, 4 गेंद अभी बाकी है इस इनिंग की, अगर इस पे बड़ा प्रहार कर लिया गया, लीजिए ये गेंद बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आती हुई, 6 रन अंबेश सिक्सर आता हुआ, जबरदस्त शॉट, देर आए पर दुरुस्त आए। 4.3 ओवर के बाद स्कोर 47 लॉस ऑफ 7 विकेट श्री नाकोड़ा 11 घाटकोपर। और कहीं ना कहीं 6 पे 12 बना करके उत्तम ने बता दिया है कि मैं अपनी टीम के लिए क्यों उत्तम हूं, क्यों सर्वोत्तम हूं, आगे निकले इस गेंद को भी खेलना चाहते थे। सही है, उत्तम स्ट्राइकर एंड पे हो रहना चाहिए उन्हें। 2 गेंद बची हुई अभी, और जो बैट्समैन एक बड़ा शॉट लगाया है, मुझे समझ में नहीं आया कि वहां पे उसको स्ट्राइक से क्यों हटाने की कोशिश की गई। 2-2 गो, और आप ये समझिए सिंगल से कुछ काम नहीं होने वाला है, एक बड़ा शॉट आया और एकाक अगर आ जाए इधर वाइड, स्कोर इस समय 40। फिलहाल जय नान स्ट्राइकर एंड पे, उत्तम स्ट्राइकर एंड पे, वहां पे गेंद देखी नहीं, सूरज की किरणें आंखों में आ रही थी, जिस प्रकार से देखे उन्होंने मुंह छुपाया, उससे ये पता चलता है जैसे कोई बच्चा जा रहा हो और किसी के कंधे पे हाथ रख करके टहल रहा हो और सामने से अचानक पापा आ जाए तो क्या कर सकता है, बुक खोल लेता है,
उससे मुंह ढक लेता है कि लग रहा है बच्चा बहुत पढ़ने वाला हो। वैसे यहां पर सूरज की किरणें आंखों में आई और सही तरीका था, किसी प्रकार से वहां पर रन बचाए गए। लिफ्टी बैट्समैन है, आखिरी गेंद खेलने के लिए तैयार है। स्कोर 49 जय। रन लगभग ठीक ठाक बन गए हैं और ये गेंद अभी ये ज्यादा रन देके जाएगी। ये अंपायर का नो बॉल और चार रन। मिल गया दाल बाटी चूरमा सब कुछ। हाथ मात मिसकी ने आंखों मा पानी, बेवफा सनम तारी बहु मेहरबानी। अब घाटकोपर की टीम की किस्मत थोड़ी सी यहां पर मुझे लग रहा है इस गेंद पे चमकी, क्योंकि वाइड भी नो बॉल भी मिली, चौका भी मिला, फ्री हिट भी मिल गई। दाल बाटी चूरमा सब कुछ पीयूसी आपकी टीम को मिल गया। अब फ्री हिट है तो यहां पे चार भी हो सकते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। फ्री हिट थी, रन के लिए जाना चाहिए। आखिरी गेंद है, रुक गई मतलब क्या है, और अभी भी जाना चाहिए क्योंकि अब तो वहां पे स्टंप को भी उखाड़ना पड़ेगा। स्कोर हुआ है इस समय 58-59 टू विन। जो चाहिए था घाटकोपर को मिल गया, 59 टू विन। मैं वही बात कर रहा था आदेश्वर 11 बोरीवली की टीम को कि स्टंप पर, जब स्टंप पे गेट टकराई है, फ्री हिट है, तो आप दौड़िए फील्डिंग करने के लिए। 59 टू विन। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरो बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। सजा दो। बिल्कुल बैट्समैन मैदान में जाए, बहुत अच्छी धुन बज रही थी, बहुत जबरदस्त धुन बज रही थी, फिर से बजा दीजिए एक बार, मौका है। थोड़ा सा बैट्समैन जल्दी मैदान में जाए। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये भागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम
नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर नाम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। सजा दो घर को गुलशन से अवध मेरा आए हैं। ये बजा दो यार, या तो बजा दो, मंदिर अब बनने लगा है। हाँ ये बना दो, बजा दो एकदम। मंदिर अब बनने लगा है। चलिए मैच की बात करते हैं। यहां पे लक्ष्य जो है घाटकोपर ने 59 का, 59 का लक्ष्य यहां पर घाटकोपर ने दिया है श्री आदेश्वर 11 बोरीवली के सामने। और जो लास्ट ओवर में कुछ मुफ्त के रन आए, देखना है वो रन क्या घाटकोपर के लिए रिवाइटल कैप्सूल का कार्य करते हैं या कहीं ना कहीं श्री आदेश्वर 11 बोरीवली के लिए वो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि खतरा पैदा कर सकते हैं। जो भी हो, हितेश और प्रियेश की जोड़ी मैदान में अंकित की गेंद का सामना करने के लिए और घाटकोपर की तरफ से इस समय अंकित गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अंकित, एक अंकित देखिए हमारे कमेंट्री के स्पॉन्सर है, कमेंटेटर के स्पॉन्सर है। दूसरे अंकित वहां पे गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए पहली गेंद बाहर निकले, बल्लेबाज बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई। हितेश और प्रियेश की जोड़ी इस समय मैदान में है आदेश्वर 11 बोरीवली के लिए, श्री आदेश्वर 11 बोरीवली के लिए। और देखना है कि किस प्रकार से यहां पर बल्लेबाजी होती है हितेश के द्वारा। पहली गेंद तो डॉट होती हुई अंपायर आके स्टंप को बनाते हुए, कोई स्लिप नहीं रखी गई है, शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है, बिल्कुल पॉइंट नहीं है, कवर है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है। इस बीच गेंद को खेला, मिड ऑन के क्षेत्र में रन के लिए जाना चाहते थे। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं और रन 5 ओवरों में 50 के ऊपर बन जाते हैं तो आपका मनोबल जरूर ऊपर होता है, वो घाटकोपर की टीम में देखने को मिला इन दो गेंदों पे। लेकिन श्री आदेश्वर 11 की टीम भी जबरदस्त है इस बार। थोड़ा सा स्टंप के बाहर के गेंद, गेंद को खेल दिया डीप कवर में, फील्डर वहां मौजूद, अच्छा थ्रो आता हुआ, पहले विकेट का पता, रन आउट के रूप में जाना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज प्रियेश को। भुवनेश्वर 11 और कांदीवली 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, ऐसे ही जहां पे खड़े हैं। और फिलहाल ये कैमरामैन है, लेकिन दोस्तों के बीच जब सेल्फी लेने की बात आती है तो भी इनका हाथ सबसे आगे रहता है, नो नीड ऑफ सेल्फी स्टैंड। 25 गेंद पे 56 रन की आवश्यकता है, 5 गेंदों पे मात्र 3 रन खर्च किए हैं, बहुत अच्छी शुरुआत अपनी टीम को अंकित दिला चुके हैं। और अंकित के खाते में विकेट तो नहीं अंकित है, लेकिन उनकी टीम के खाते में विकेट अंकित है। इस बार नीचे रहते विकेट, बल्लेबाज ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे वहां पे मन, लेकिन मन को मानना पड़ेगा। और पहला ओवर समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 3 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। ये सब के स्वामी अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुका नाम गुणगा पौधों के विष्णु के अवतारी, राम की निकली सवारी, राम की निकली लीला नारी, राम की निकली सवारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, राम की लीला सवारी, राम की लीला
नेक्स्ट मैच में बोईसर 11 ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। हमारे फोटोग्राफर स्पॉन्सर राहुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही आपके तरफ से सुनहरे पलों को कैमरे में कैद किया जाए। तो अब पीयूष घाटकोपर टीम के कैप्टन है, आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इनकी ये विशेषता है कि उल्टी टोपी हमेशा इनके सर पे रहती है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इस बार जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया, बारी किनारा, बैट्समैन को आना पड़ेगा। सफलता मिल चुकी है इस समय घाटकोपर की टीम को। श्री नाकोड़ा 11 घाटकोपर के कैप्टन ने, श्री आदेश्वर 11 बोरीवली के कैप्टन, बहुत बड़ा झटका लगा था पिछली गेंद पे। कैप्टन निलेश निकेश, कैप्टन हितेश आउट हुए थे। बोरीवली की टीम को कुल 59 रन का लक्ष्य मिला, जिसमें से 4 रन बने, अब 2 विकेट गिर चुके हैं और बहुत बड़ा विकेट उनके कैप्टन के रूप में। लेकिन अमन अभी भी खेलते हुए, मन को मन लगा करके खेलना पड़ेगा और तन मन झोंक देना पड़ेगा, तभी इस मुकाबले में अपनी टीम को विजय द्वार की तरफ पहुंचा सकते हैं। फिलहाल 21 गेंद पे 54 रन की आवश्यकता है, 1.3 ओवर के बाद 5/2 श्री अरिहंत 11 बोरीवली। बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई, पैरों से रोकने की कोशिश, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। श्रीनाथ ज्वेलर्स शो का आता हुआ 4 रन। नौ रन बन चुके हैं, 1.4 ओवर का खेल हुआ है, 20 गेंद पे 50 रन की आवश्यकता है। बोरीवली और घाटकोपर के बीच का ये मुकाबला है, 8वां मुकाबला है। कुल 19 मैच खेले जाने हैं आज, जिसमें से ये 9वां मैच है। हमारे डीजे के स्पॉन्सर आरडी ग्रुप यानी कि राकेश दोषी जी और दीपक कोटीफोड़ा जी, आप मंच पे आए। राकेश दोषी जी और दीपक कोटीफोड़ा जी, आज नहीं नहीं आज दोनों लोगों को जाना पड़ेगा, दोनों लोगों ने बहुत अच्छा कैच लिया है। आज दोनों लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश किया है, बहुत अच्छा कैच लिया है, इसलिए दोनों लोग मंच पे जाए। राकेश भाई, लेकिन दीपक भाई से की बूटी से बच करके रहना पड़ेगा आपको, अब वो भी थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। अच्छा शॉट, क्या बेहतरीन है, खूबसूरत शॉट, वाइड लॉन्ग आपके क्षेत्र में जाते हुए, रन भले ही यहां पे 2 मिलेंगे लेकिन शॉट अच्छा था, गैप ढूंढा था। मन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13/2 और 18 गेंद पे 46 रन की आवश्यकता, 18 गेंद पे 46 रन की आवश्यकता। चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना पासार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना पासार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, भाई रे मैं तेरे कुर्बान,
कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, थोड़ा सा फास्ट करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए कैप्टन, थोड़ा ध्यान दीजिए पीयूष, समय का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बॉलर्स नेम पीयूष ऋषि, ये भी गेंद ये अच्छी नहीं है गेंद, लेकिन सबके बाहर वाइड का इशारा आता हुआ, अपील जरूर वहां पे किया था ऋषि ने कि शायद अपनी वाइड को मैं बचा लूं, ध्यान भटका लूं अंपायर का, लेकिन अंपायर आकाश कह रहे हैं मेरा नाम आकाश जरूर है लेकिन मेरे पैर जमी पे हैं। 18 गेंद पे 45 रन की आवश्यकता है और दो ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बने हैं दो विकेट के नुकसान पे, 59 का लक्ष्य है बोरीवली के सामने। इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद और उससे पुल कर दिया गेंद को 6 रन के लिए, हम भी इस सिक्स आता हुआ। तो अभी अभी विकास ने सिक्सर लगाया है ऋषि की गेंद पे और एक और ऊंचा शॉट, लेकिन इस बार बहुत ऊंचाई प्राप्त की है, देखना कैच होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर गेंद थी। 2 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज, थ्रो अच्छा नहीं है लेकिन 2 रन यहां पर प्राप्त होता हुआ, ऊंचाई का सिक्स होता तो ये अट्ठा हो जाता। 16 गेंद पे 37 रन की आवश्यकता है श्री अरियंत इलेवन बोरीवली की टीम को, 2.2 ओवर के बाद 22 पे 2 आफ्टर 2.2 ओवर स्कोर इज 22 लॉस ऑफ 2 विकेट, 16 गेंद 37 रन की आवश्यकता, 37 रन्स इन 16 बॉल्स। ऋषि का ये ओवर महंगा साबित हो रहा है, 2 गेंदों पे 9 रन खर्च कर चुके हैं ऋषि, अब देखना है कि कैसे वापसी करते हैं ऋषि, लेकिन ये ऋषि को तो बिल्कुल महात्मा बना दिया, गजब का शॉट लगाते हुए इस समय बल्लेबाज विकास अपनी टीम का विकास करते हुए, एक और अंबेस सिक्सर आता हुआ। आशिक हूं मैं, कातिल भी हूं, सबके दिलों ऊपर की टीम, थोड़ा सा समय का ध्यान दे, बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है इस पूरे मैच में बोरीवली की तरफ से भी और घाटकोपर की तरफ से भी, ये मैच बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है इसमें। मिड विकेट के क्षेत्र में शॉट बिल्कुल आता हुआ ये और वहां पर पीयूष है, अच्छी फील्डिंग, यहां पे रन आउट का खतरा, अब फंस गए बल्लेबाज, अब फंस गए, मन कह रहे हैं मेरा मन नहीं था भागने का, लेकिन विकास ने बुलाया, अपना विकास किया, मुझे लौटाया, अब मुझे वापस आना पड़ेगा। देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है। ट्वेंटी नाइन 14
ये 33 रन की आवश्यकता है। 2.4 ओवर के बाद 29 हुआ है स्कोर इस समय। बैट्समैन इस समय आए हैं राजू और यहां पर रन आउट के रूप में ऋषि के ओवर में सफलता मिली है। राजू ने गेंद को खेला इस बार है, लेकिन फॉलो थ्रो में फील्ड करने की कोशिश, तेज तर्रार फील्डर नजर आ रहा है इस समय मिड ऑफ पे। तीस रन 2.5 ओवर के बाद इस समय 30 रन 13 गेंद में 29 रन की आवश्यकता है। 29 रन नीडेड इन 13 बॉल्स 13 गेंद में 29 रन की आवश्यकता है बोरीवली की टीम को। बोरीवली की टीम बिल्कुल ये रन बना सकती है अगर बल्लेबाज खड़े रहे। खड़े नहीं रहे, ये शॉट अच्छा है, पटकी भी गए, फिर एक बार खेला विकास ने 6 रन के लिए। हम भी सिक्सर आता हुआ 6 रन। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। समय का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और जल्दी टीम मीटिंग समाप्त की जाए और बाहर से कोई अंदर ना जाए। और 5 ओवरों का मुकाबला और उसमें इतनी बार अगर पानी जाएगा ग्राउंड में तो फिर समय लगेगा ही। बात सही है कि आपकी टीम का मैच बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, लेकिन थोड़ा सा समय का आप सभी लोग ध्यान दें बहुत अच्छा रहेगा। 12 गेंद में 23 रन की आवश्यकता, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बने हैं, 3 विकेट के नुकसान पर 12 की औसत से रन बने हैं, यानी कि करंट रन रेट 12.0 की है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है 11.5 की है। तो अब 12 गेंद में 23 रन बनाने हैं, 11.5 की औसत से रन बनाने हैं, लेकिन विकास जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी रन बना सकते हैं अगर वो रह गए तो। फिलहाल अब गेंदबाजी करने के लिए इस समय बॉलर्स ने मुकेश की ये गेंद और यहां पर सिंगल मिलता हुआ राजू को। राजू पहुंच गए हैं 2 गेंदों पर 2 पर 8 गेंद पे 26 रन बना करके विकास खेल रहे हैं। और विकास का नाम क्या लिखा है, PCL। विकास का नाम क्या लिखा है, PCL। विकास PCL का मतलब फुल फॉर्म कौन बताएगा उनकी टीम का। फिलहाल गजब की बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन इस बार थोड़ी सी नीचे जाती विकेट, इससे भी पुल करना चाहते थे स्क्वायर लेके ऊपर से जो उनका फेवरेट एरिया है, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई, गेंद की उछाल उतनी ज्यादा नहीं थी, नतीजा गेंद बल्ले पे नहीं आई। अगली गेंद जो चाहते थे वही गेंद मिली है, लेकिन फील्डर उस ओर भागते हुए पहुंचना मुश्किल था कैच तक। फिलहाल 1 रन मिलता हुआ। जो बैट्समैन ऑन साइड में बहुत तेजी से खेलते हैं उन्हें शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद आप मत दीजिए, लेग स्टंप पर भटकी हुई गेंदें मत दीजिए। और बैट्समैन को कोशिश करनी चाहिए कि वो गेंदबाज को थोड़ा सा परेशान करे कि गेंदबाज जो आप चाहते हैं वही गेंद दें। इस समय देखिए गेंद को फुल टॉस बना करके वाइड स्लोगन के क्षेत्र में खेला, वहां पर बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग हुई है वाइड स्लोगन के क्षेत्र में फील्डर के द्वारा। अभी भी 8 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है, 3.4 ओवर के बाद 39, 3 विकेट के नुकसान पे 8 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है। 8 पे 20 है तो उम्मीद विकास से है। ये फील्डर को मैं देख रहा था कि अंपायर तो दिए ही नहीं थे पहले से ही, डॉट गेंद। 11 गेंद पर 27 रन बना करके खेल रहे हैं विकास। ये शॉट अच्छा है और अगर मैच को जीतना है तो अगले ओवर में स्ट्राइक एंड पे जल्दी आना पड़ेगा विकास को। फिलहाल छोटे 14 पांच रूप।
6 पे 14 और टीम मीटिंग थोड़ा सा समाप्त की जाए, 6 के 14 रन। और इस मैच के बाद यहां पर अंकित जी टाइम नोट करिए, और टाइम नोट होने के बाद अगर थोड़ा लेट होता है पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी तब भी टाइम से हो पाएगा मैच, और टाइम का अनाउंसमेंट यहां से होता रहेगा। 6 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है, फील्डर जल्द से फील्ड प्लेस कर लें। देखिए अभी वही गेंदबाज घाटकोपर को यूज करना है जो गेंदबाज शॉर्ट पिच भटकी हुई गेंद ना दे, लेग स्टंप पर भटकी हुई गेंद ना दे, नहीं तो विकास के लिए बहुत आसान है। और बॉलर है पीयूष, पीयूष जैन, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। और बैट्समैन को चाहिए कि कैसे भी वो सिंगल ना दे, कैसे भी वो सिंगल ले ले, लेकिन फील्डर को चाहिए कि वो सिंगल ना दे। एक रन मिलता हुआ, और यही रन भारी पड़ सकता है, क्यों? क्योंकि स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं विकास। अब गेंदबाज को थोड़ा संभल करके गेंदबाजी करने की जरूरत है। 4 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता है। विकास अनसाइड के बड़े मजबूत खिलाड़ी हैं, तलाश करेंगे एक दो बड़े शॉट की। और अभी तक विकास को देखा जाए 12 गेंद पे 33 रन बना के खेल रहे हैं, तो अभी उनका काम समाप्त नहीं हुआ है। जब तक जीत नहीं मिलती आपका काम समाप्त नहीं, लेकिन गेंदबाज को आपको परेशान करना होगा, डॉट गेंदे कराने की जरूरत होगी। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, और अगर 2 गेंद डॉट करा लिया तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। 3 पे 13, 3 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता है, अभी भी किसी को आप कम नहीं आंक सकते। बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस टीम में 2 पीयूष हैं, हम लोग ढूंढते हैं कि ये किस पीयूष के सामने हम नोट करें, कंपलसरी चेज है, लेकिन अब 2 पे 13 विकास को फंसा के रखा। कैप्टन पीयूष बड़े चतुर हैं इस टीम के, उस गेंदबाज को लगा दिया। जब सब कुछ सही हो रहा है तो क्या समझाने की जरूरत है, कुछ गलत हो तो बात अलग है। अच्छा क्या समझाया था वहां पे, क्या समझाया था, सब लोग वही पूछ रहे हैं, उनसे ही गुस्सा कर रहे हैं कि आपने क्या समझाया, लेकिन उन्होंने कहा वही कि आप बाउंड्री दे देना, 6 मत देना, और क्या कहा। क्यों फील्डर को आप लोग डांट रहे हैं भाई, 1 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता है, यही तो कहा था लॉन्गन के फील्डर ने, बाउंड्री भले दे दो 6 मत देना। बिल्कुल, बोरीवली की टीम जब गेंदबाजी कर रही थी तो आखिरी गेंद पे उन्होंने जो 9 रन खर्च किया था, क्योंकि वाइड आई थी वो 5 के रूप में तब्दील हो गई थी, फिर वही गेंद डाली गई और उस पे 4 रन आए, आखिरी के जो 9 रन थे उसी आखिरी के रन से बोरीवली की टीम को यहां पर हार झेलनी पड़ी है। सोचिए कितना जबरदस्त मुकाबला होता है कि जो आप थोड़ा सा कैजुअल होते हैं मैच आपके हाथ से निकल जाता है। अब मैं चाहूंगा बोरीवली 11 की टीम पहले मैदान में जाए और कांदी वली 11 के बल्लेबाज भी मैदान में जाए, हमारे स्कोरर